तकलीफें ना हो। ये तो जादू कौन करा था? बहुत परेशान होते डबल से कौन लाके छोड़ा बहुत। अरे उन्होंने उधर उनका काम चालू है ना, इसलिए वो मैं इधर आई। तब से उनका चालू है। फोन पे इतनी 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 बातें करती है कि मुझसे सहन भी नहीं होता। कामिन उसका उसे बैलेंस वोट डाल के था। जब बैलेंस नहीं रहता बेचैन हो जाती है और उसके बच्चों को मेरे मासूम के पास भेजती है। जा उनसे बोल, इरफान को बोल बैलेंस डालेगा, ओसिम को बोल बैलेंस डालेगा। और मेरा कामिन उधर बेचैन होता है। क्यों होता है? मुझे तो बेसुध नहीं होती हूँ, मुझे तो पूरा मालूम रहता है। मेरे पास कौन बैठा है? मेरा खामिन बैठा है। कौन बैठा है? मेरा मासूम बच्चा बैठा है। कौन बैठा है? ओसिम बैठा है। कौन बैठा है? इरफान बैठा है। एक दिन मेरे ससुर आए, बैठ गए, गुस्सा करने लगे। ऐसा सब होता है क्या? ऐसा क्या हो जाता है? ऐसा बाहर जाके बातें करने लगे? ऐसा अपने घर का इंसान क्या करता है क्या? तुम्हें पता है क्या? ऐसा नहीं करेगा। वो तो उन्होंने जालिमों तो मेरे पीछे लगे, मुझे छोड़ नहीं रही। मैं तो भूल गई, मुझे कुछ याद नहीं रहा। मेरे साथ क्या किया इन्होंने कुछ भी मालूम नहीं। कुछ भी मालूम नहीं। फरीदा पे जादू चलाने क्या लेके थे? फरीदा का फरीदा का क्या लिए थे जादू चलाने को? जब उसको तकलीफ होती थी इससे पहले 4-5 साल पहले उसकी बच्ची पे तकलीफें होती थी। उसका घर वाला मारता था, उसका घर वाला उसको छोड़ता था और वो बोलती थी और लेटरिंग कराने भी देखो मेरी मासूम पकड़ती थी और ज्यादा तबीयत खराब हो गई। मेरे मासूम ने उसको गाड़ी पे बैठी छलांग मार के और कोई नहीं जाने को तैयार था। दुकान वाली कहती नहीं मैं नहीं जाऊंगी, मेरे बच्चे हैं, कौन देखेगा? मेरी जवान लड़कियों ने कौन देखेगा? दुकानदारी मेरी कौन देखेगा? कहने लगी मेरी सास फरीदा को भेज दे क्योंकि वो संभाल सकती है, जा सकती है, उसके बच्चों को मैं देख सकती हूँ। और तो फरीदा पे जादू चलाने क्या लेके गए? ये सब बताती हूँ, अभी बताती हूँ, सब बताती हूँ। और मेरी माँ को भी ऐसी तकलीफ थी, मेरी माँ को ऐसी तकलीफ थी, लेटरिंग बहुत लगती थी और उसका जी बहुत घबराता था और उसके हाथ पांव गले जाते थे और उसको खटिया पकड़ा दिए थे। खटिया पकड़ाने के बाद उन्होंने उसकी माँ के लिए बहुत रोती थी, बहुत याद करती थी। माँ मेरा कुछ नहीं हुआ, मेरा ऑपरेशन अभी हुआ और ये सब तुमने क्यों मुझे छोड़ के चले गए? क्योंकि मुझे सारी तकलीफें तो ये है। माँ माँ होती है, सास सास होती है, ससरा ससरा होता है। तो फरीदा पे जादू चलाने क्या लेके थे? ऐसा बोली उनने, ऐसा बोली। और मेरी बात सुनो, मैं बोलती हूँ सब क्या सुनो थे? कि वो उन्होंने क्या कहा? अरे अपनी माँ को उसके बाप ने क्या किया? उसका बाप ने क्या किया? इसके बाप ने क्या किया? जुर्म करता हूँ। मेरी बेटी पे ना जुर्म है, मेरी बेटी अच्छी रहना चाहिए, मेरी बेटी उसके बच्चों के लिए बहुत मासूम बच्चे, मेरी मासूम बच्ची अच्छी रहना चाहिए। उसने उसका जुर्म उसका बाप ने, उसके बाप बहुत गद्दार है, बहुत मक्कार है, बहुत कमीन है। उसे कमीने बोले जाता है। क्यों बोले जाता? बताती हूँ। वो चार भाई बहने उसके भाई के नाम, उसकी बहन के नाम बताती हूँ। उसकी बहन को बुढ़ाई बोलते और उसके उसके उसकी बहन चोटियाली जो जुर्म उसके साथ हो रहा था वो जुर्म मेरे साथ किया है। उसका नाम अफसाना है और ये सारे लोगों को बताना। क्यों मेरा कहना नहीं मानते? मैं जो बोलती हूँ मुझे पागल समझते हैं, क्यों समझते हैं? और बताती हूँ। जब भी उसे दर्द होने लगता है, जब भी उसे थोड़ी सी तकलीफें बढ़ती, वो बोलती तैयारी करती हूँ, जाती हूँ। मुझे अभी क्या करी उसने? क्या करी? मुझे पैसे मिल रहे हैं।
जिद करी, नहीं कहा मत जाए मत जाए। बड़ा बच्चा कहने लगा मम्मी मैं भी आता हूँ, और ऐसे उसका नाम मम्मी मैं भी आता हूँ। जब जाती जब जिद करती, एक बार बच्चा पहुंच गया साथ में, नहीं कि उसने काम वापसी आ गई। फिर कहने लगी कि नहीं नहीं ऐसा नहीं करूंगी, फिर से उसके साथ करूंगी। जब मेरे साथ हो जाएगा तो मेरे मासूम बच्चों को कौन देखेगा। अरे ये बददार ने क्या किया मेरे साथ किया। बाप के पास फोन लगा के बाप इतना गुद्दा मेरे मासूम के घर चले आया। शादी थी, मेरे मासूम ने कहा बैठो मैं तुम्हें चाय पिलाती हूँ। मेरा दिल नहीं मानता भले ही ना तुम्हें कोई बुलाए, मैं तो बुलाऊंगी। मेरा मन होता है मेहमान आता है अपने घर पे आता है वो खुदा बराबर होता है। उसको तो कुछ भी नहीं मालूम था कि मेरी मासूम के साथ क्या होने वाला है। उसे तो सब भूल जाती, इधर बोलती है इधर भूल जाती है, अनजान है, उसे कुछ भी नहीं मालूम। उसके दिल में कट नहीं, घर वालों से कुछ भी बोलती है इधर बोली इधर निकाल देती है, एक कान से सुनती है ओ कान से निकाल देती। और इन्होंने क्या किया कि नहीं नहीं बताती हूँ। इन्होंने फिर क्या किया इनको वो जादूगर ने बोला कि तुम ओ भकड़ाड़े के असावे में जाओ, पहले तुम्हारे वहाँ के जगह जाओ। और ये बच्चे तुम्हें क्या बोल रहे कि हम तो अकोला के, अकोले का नहीं है, जब करके तकलीफ बड़ी है, नहीं तो वापसी भी नहीं आता था। मैं तो खंडवा जिले का हूँ, भकड़ाड़े का हूँ, इन्होंने मेरे भानिज के साथ आए तो उनका ही नाम बता दिया कि हम तो वहाँ रहते पर वहाँ नहीं रहे। जब मुझे तकलीफ होने लगी, मासूम जानने लगी कि इन्होंने नाम गलत बताए, जब मौलाना पूछ रहे कि कौन सी जगह में रहते हैं क्या करते हैं, तब भी मासूम कुछ समझते नहीं उसके साथ में। और उसके साथ में आना चाहिए थे बड़ों ने पर नहीं आए, उनको क्योंकि दोष पड़ रहा था कि कोई अपने सामने हकीकत खुले ना, वो तो खुल के रहेगी। जब कहा उसने उतारे में कटिया की रस्सी चाहे कितनी भी बड़ी हो एक ने एक दिन रात खुल के रहेगा। फिर उन्होंने क्या किया खटिया की रस्सी के बराबर तार तो टूट नहीं है तो हो नहीं जाए, कुछ खुलासा नहीं हो जाए। फिर से वो करने लगे पर वो नहीं जाए। फिर तो उन्होंने क्या किया बताती हूँ। पूरी निकल जा, समझ में आया कुछ आगे पूरी दास्तान समझ में क्या आया, किसने किया सब समझ में।